दोस्तों, बचपन में हम ना जाने कितने ऐसे गेम्स खेलते थे जिसमें अगर कोई पार्टिसिपेंट आउट हो जाता था तो हम उसे बोलते थे कि भैया आप इस गेम में तू मर चुका है, तू साइड में बैठ जा। नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम में ये लोग लिटरली पार्टिसिपेंट्स को मार रहे हैं। सो हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम रोज संतोष कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम का। ये एक 9 एपिसोड की वेब सीरीज है जिसने लास्ट 2 हफ्तों से पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। और तो और, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी और नेटफ्लिक्स के सबसे बड़े कंपेटिटर जेफ बेजोस ने भी इस सीरीज को लेकर एक प्रेज वर्दी कमेंट डाला लास्ट वीक अपने ट्विटर हैंडल पर। इतनी चर्चा हो रही है इस वेब सीरीज की, एंड आई मस्ट से कोरियन सिनेमा, कोरियन फिल्म इंडस्ट्री सालों से बहुत अच्छा कंटेंट बना रही थी, बट दे आर गेटिंग रिकॉग्निशन नाउ, दे आर ड्यू रिकॉग्निशन नाउ, एस्पेशली आफ्टर पैरासाइट। बॉलीवुड में मैं आज भी जिंदा को वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज मानता हूँ, जो कोरियन मूवी ओल्ड बॉय की ही कॉपी थी। सो कोरियन मूवी सालों से, कोरियन फिल्म इंडस्ट्री अच्छा कंटेंट देती आ रही है, अब उनको जाके उनका ड्यू रिकॉग्निशन मिल रहा है। एंड दिस वेब सीरीज, आई मस्ट से आई एम सुप्रीमली इम्प्रेस्ड विथ इट्स कॉन्सेप्ट, विथ इट्स एग्जीक्यूशन, विथ इट्स प्रोडक्शन डिजाइन, विथ इट्स बैकग्राउंड स्कोर, विथ द परफॉर्मेंसेस, विथ ब्लडी एवरीथिंग। टोटली फिक्शनल स्टोरी है, ऐसा लाइफ में कभी हो नहीं सकता, शायद कभी होएगा भी नहीं, मतलब हुआ ही नहीं कहीं पैसा। लेकिन टू इमेजिन दैट, टू एग्जीक्यूट दैट इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे, ये इसके मेकर की खासियत है। सारे एक्टर्स ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। इसमें टोटल आपको 6 गेम देखने को मिलेंगे। कहानी इसकी ऐसी है कि इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, सॉन्ग की हून नाम का आदमी है, वो आदमी खस्ता हाल है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रहता है, वो और उसकी माँ ही है, 2 ही लोग हैं उसकी फैमिली में, और उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों का कर्जा है, चाहे वो लोकल शॉप ओनर का हो या कुछ NBFC से, कुछ फाइनेंस कंपनी से उसने लोन ले रखे है जिसे वो लोन शार्क्स बोलते हैं। तो ये सारे लोग अपनी रिकवरी के लिए इस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं। इसके पास पैसा है नहीं, एक ढंग का कोई जॉब इसके पास है नहीं। एक दिन इसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, इसको एक गेम खेलने का इन्विटेशन मिलता है। उस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। ये उस गेम की लालच में, पैसे के लालच में उधर पहुंच जाता है। साथ ही साथ ये देखता है कि इसके साथ तकरीबन 200-250 लोग उसके साथ वो गेम खेलने के लिए आए हुए हैं। हर एक आदमी डेट रिडन है, बहुत सारा कर्जा है उनके ऊपर। और ये गेम खेलने के बाद, ये 6 गेम अगर वो जीत जाते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। तो इसी पैसे की लालच में वो ये सारे लोग वो गेम खेलने के लिए अपनी हामी भर देते हैं। जहां पर ये गेम ऑर्गेनाइज हो रहा होता है वहां पे वो पहुंच जाते हैं, और मजा यहीं से शुरू होता है। हर एक गेम के बाद पार्टिसिपेंट्स जो उसमें आउट हो गए उन्हें मार दिया जाता है, दे लिटरली किल दोज पीपल। सो इसमें ब्लड शेड, इसमें गोर, इसमें वॉयलेंस बहुत है देखने के लिए। कोरियन सिनेमा का टिपिकल जो एग्जीक्यूशन स्टाइल होता है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। सीरीज काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड है, गेम सारे बच्चों के रखे गए हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल गेम्स, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी ने किसी कैपेसिटी में हमने भी जरूर खेले होंगे। दो द सीरीज इज कोरियन, बट उसका इंडियनाइज एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी ऐसे गेम्स हम लोग खेलते हैं बचपन में, बट वो गेम कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, कौन है ये जो हर एक चीज को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, क्यों ये गेम खिलाए जा रहे हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, ये देखने का मजा ही कुछ और है। इस सीरीज का फर्स्ट सीजन है, 9 एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, बट एवरीथिंग, एवरी सीन, एवरी मिनट स्पेंट ऑन दिस वेब सीरीज इज टोटली वर्थ इट। मजा आ गया कॉन्सेप्ट देखकर, एग्जीक्यूशन देखकर, इसका प्रेजेंटेशन देखकर। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस सीरीज टू यू। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट्स सेकेंड सीजन। अगर आपने अभी भी स्क्विड गेम नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच इट। माई राउडी रेटिंग फॉर स्क्विड गेम, विच इज ए नेटफ्लिक्स ओरिजिनल वेब सीरीज, विल बी 4.5 out of 5। आधा स्टार में सिर्फ इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इसके एक एपिसोड में
ज्ञानबू नाम का एक एपिसोड है, उसमें वो थोड़ा मुझे स्ट्रेच लगा, थोड़ा उसमें इमोशंस पिरोने के चक्कर में इन लोगों ने अपना जो नरेशन है, अपना जो स्क्रीन प्ले, उसको च्युइंगम की तरह खींचा। अदरवाइज द सीरीज हाईली रिकमेंडेड। सो आपको स्क्विड गेम पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाई हब ऑफ डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। टिल दैट टाइम मेरे चैनल पर आते रहो, मुझसे कनेक्टेड रहो। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।